ईद मुबारक भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ये ताला है, हम जा रहे हैं लगा के। ज़रूर शेयर करें, बता दिया हमको, जा ही रहेगा। अच्छा बता दिए, ईद मुबारक तो बोला ही नहीं आपने। चले ये मेरी बाय बाय नहीं। सो गाइस आज है ईद का थर्ड डे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने सेकंड डे का व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट डे को आए थे घर पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम लोग बहुत लेट भी आए थे, तो मुझे भी बुखार हो गया था, मतलब खांसी हो गया था, और डब्बू को भी, क्योंकि मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पी ली थी। तो इसी वजह से सेकंड डे को हमें अपने तैयारी के घर जाना था, लेकिन मैं हम जमीन नहीं जा रही थी क्योंकि हम जमीन की तबीयत ठीक नहीं थी। और तो फिर मम्मा बाबा अलीशा गए थे, इसलिए सेकंड डे का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। इसीलिए फर्स्ट डे का ब्लॉग ही सेकंड डे मैंने अपलोड किया था। तो आज है ईद का थर्ड डे और आज हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के घर। आज हमारी नानी के घर दावत है, तो आज हम लोग जो जो कुछ करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी अलीशा जाग रही है, मुदम्मिल सो रहे हैं, तो अब अलीशा को दिखाते हैं आपके साथ। अलीशा ये बैठी हुई मोबाइल देख रही है, तो ये रही अलीशा। सलाम करिए, हाय। ओहो हाय करेंगी, तो ईद मुबारक कर दें। ईद मुबारक। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अम्मी के घर। अम्मी के घर, हम लोग अपनी नानू को अम्मी बोलते हैं। मुँह में हाथ क्यों जा रहा है भाई? तो अब अलीशा को हम करेंगे तैयार, मतलब मम्मा तैयार करेंगी। जाओ अलीशा जल्दी से जाके फ्रेश हो जाए। क्या इसको बता दो मैं फ्रेश होने जा रही हूँ? मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। गुड गर्ल। तो अलीशा फ्रेश होंगी, मैं आप लोगों को मुजम्मिल अलीशा के कपड़े दिखाती हूँ। गाइस ये हैं मुजम्मिल के कपड़े जो मुजम्मिल आज वेयर करेंगे, और ये हैं अलीशा के कपड़े। तो ये दोनों अभी प्रेस करने, उसके बाद ये दोनों वेयर करेंगे। और अभी मुजम्मिल फ्रेश होने गए हैं, फिर वो आते हैं, फिर उनसे भी आपको मिलाते हैं। ओके। तो गाइस मुजम्मिल फ्रेश होके आ चुके हैं, और अभी हम मुजम्मिल का पूरा लुक दिखाते हैं, और अब अलीशा से मिलवाते हैं आपको। अलीशा भी फ्रेश हो चुकी हैं और तैयार भी हो गई हैं। पीछे की दिखाइए, ऐसे ऐसे यहाँ पे पीछे। वाह अलीशा का हेयरबैंड कितना अच्छा लग रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं अलीशा? अम्मी के घर। अम्मी घर, आप फ्रेश हो गई? अब अपने हेयर दिखाइए, मम्मा ने कैसे आपके बाल बनाए। वाह अलीशा हैप्पी है, ईद मुबारक तो बोला ही नहीं आपने। ऐसे बोल रहे हो, सबको बोलो। चले अब भैया को दिखाते हैं, भैया भी रेडी हो चुके हैं। गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये रहे हमारे बाबा। बाबा सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? ठीक है। थर्ड ईद मुबारक कह दें। थर्ड ईद मुबारक भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ये ताला है, हम जा रहे हैं लगा के। और ये रही मम्मा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज ईद का तीसरा दिन है और हम जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ की वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बता दिए हम साथ ही रहेगा। अच्छा बता दिए हम अपनी नानी के घर जा रहे हैं। अच्छा चले सही, भी साथ ही रहिएगा, देखते रहिएगा। बाकी तीसरी ईद भी आज आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? थर्ड ईद मुबारक आप सब। और ये रही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मेम्बर अलीशा, जिन्होंने थर्ड ईद मुबारक कह दी है ना। अब चले बेबी। yeah. चलो बाबा लेट्स गो। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं, और तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं, और ये गिर रही हैं। अभी हम इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर एक एक करके। कागरों वाली फ्रिज
फ्रिज खुलता ही गया, खुलता ही गया, ये देखें खुलता ही गया, ऊपर रख और एक और खाने गई। अरे भाई सन्नाटा, क्या हुआ? यहाँ पे मुमारी जा रहा हूँ, मिल के बातें चल रही हैं और मुझे ये दोनों व्लॉग नहीं बनाने दे रहे हैं, है ना? चलो अंदर, बर्तन धो दो। मैं क्या बर्तन धोने को नहीं बोल रही हूँ, नीचे से कुछ मंगवा रही हैं। चलो चलो जाओ, देख लेके आओ, बाय। हम अंदर जा रहे हैं। हमारे अभी जैसे गेस्ट आए थे सब आ चुके हैं, आप लोगों को शोर से अंदाजा हो रहा होगा, और हमारी आनी आनी थी और भी और कुछ गेस्ट थे, सब आ चुके हैं। तो हम लोग दस्तखान लगाने, शोर बहुत हो रहा है, तो अभी हम लोग दस्तखान लगाते हैं, फिर आप लोगों से तो गाइस अभी बज गए हैं 2 रात के और हमारे सारे गेस्ट भी जा चुके हैं, तो अब हम लोग भी जा रहे हैं, तो आप लोगों से मिलते हैं घर जाके। तो लेट्स बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मैंने आप लोगों को जल्दी से बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे अभी और तेज़ गले में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का बुखार भी हो रहा है। मम्मा ने मैं वहाँ पे दवाई भी लाई थी और मुलम्मी की भी बहुत तेज़ तबीयत ख़राब है, मुलम्मी को भी बुखार है, मुलम्मी को तो बुखार हो रहा है, मुझे भी हल्का हल्का लग रहा है। और हमारा कज़न है आदम, उसकी भी तबीयत ख़राब नहीं थी, हमारे खालू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, हमारी एक और कज़न है वानिया, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस इतना थक गए थे फर्स्ट डे को, हम ये पूरे 1 साल के बाद गए थे हम अपनी मामा की नानू के घर, इतना थक गए थे हम लोग, रात में भी बहुत लेट आए थे और आज भी देखें अब 2:30 बज रहे हैं पूरे पूरे। तो चले आज हमें बहुत मज़ा आया, वैसे जैसे फर्स्ट डे मज़ा आया था वैसे ही आज मज़ा आया, आज बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए थे और हमारी आनी भी आई हुई थी, और जाके फ्रेश होते, तो अब हम लोग फ्रेश होते हैं, उसके बाद आप लोगों से।